भागलपुर पुलिस ने पंचायत चुनाव के पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ एक हथियार तस्कर को धर दबोचा है। मामला शहर के बायपास थाना क्षेत्र का है, जहां थानाध्यक्ष विश्वबंधु कुमार ने गुप्त सूचना पर देवघर से आ रही एक बस को रोका, जिसकी सघन तलाशी में पुलिस ने मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौहागढ़ स्थित लक्ष्मी बिंद टोली निवासी शंकर सिंह के 20 वर्षीय पुत्र शिवू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक बैग से 12 अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद किया। गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि वह झारखंड के देवघर से बस पकड़कर भागलपुर आ रहा था। इस बीच टुट्टा पुल के समीप उसे तस्करों द्वारा एक बैग दिया गया, जिसकी डिलीवरी उसे भागलपुर के डिक्सन मोड़ में करनी थी। हालांकि पुलिस गिरफ्तार युवक की बातों पर यकीन नहीं कर रही और बरामद हथियार को बंगाल के आसनसोल से लाए जाने की भी बात कर रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ में जुटी है कि उसने हथियार कहां से लिया और उसे भागलपुर में किसी डिलीवरी देनी थी। बहरहाल इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पंचायत चुनाव से पहले बायपास पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। चेकिंग अभियान के तहत थानाध्यक्ष विश्वबंधु के साथ ASI नीतीश कुमार, ASI राजनाथ सिंह सहित अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरत खानी में दो पक्षों में मारपीट के मामले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची ललमटिया ओपी पुलिस ने घायल को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल नाथनगर में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान कुंदन कुमार और कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। वहीं चिकित्सकों ने घायल कुंदन की स्थिति गंभीर बताई है। घायल की मां ललिता देवी ने बताया कि मेरे बेटे को पूर्व में भी झूठे केस में फंसा दिया गया था। मेरा बेटा कुंदन लॉज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। मामले में ललमटिया थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर मारपीट हुई है। दोनों घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। आवेदन मिला है, जाँच की जा रही है, जाँचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। कौन मारा इसको? मारल आवासी साजा, गोविंद साजा, मुन्ना साजा। काहे मारा? अरे उसका बहन बिहार पुलिस है, वही दावत प्रीति कुमारी। अब बाबू सब ने मिली मारी दिल का बेटा का। काहे मारा? काहे मारा? अब बाबू हमारा गोतनी से। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित भारत बंद का भागलपुर में मिलाजुला असर देखने को मिला। किसानों के आंदोलन को न केवल महागठबंधन के घटक दलों राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और आप के नेता और कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया, बल्कि बंद को सफल बनाने के लिए वे सड़क पर उतरे। महागठबंधन की सभी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भारत बंद के समर्थन में जुलूस भी निकाला। बंद के समर्थन में भागलपुर स्टेशन चौक से निकाला गया जुलूस। घंटाघर चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक सहित पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए खुले सभी दुकान और प्रतिष्ठान को बंद कराते दिखे। वहीं प्रशासन के द्वारा भी बंद के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी की घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पंचायत चुनाव में कई जगहों पर बाल बालाओं के डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अपने ग्रामीण वोटरों को लुभाया जा सके। लेकिन इस डांस के साथ कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं जो इस चुनावी माहौल में नहीं होनी चाहिए। जी हां, समस्तीपुर जिले के चंदौली पंचायत में बाल बालाओं के डांस के साथ हवा में गोलियां चलाई जा रही है। हद तो तब हो गई जब पिस्टल उन डांसरों के कनपट्टी पर रख दी गई। ऐसे में उस डांसर की क्या हालत रही होगी, यह समझा जा सकता है। गनीमत यह रही कि इस दौरान पिस्टल से गोली नहीं चली। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है मीडिया के द्वारा। जब सदर DSP को इस बात की सूचना दी गई, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से ही प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह डाली, लेकिन वायरल वीडियो पर कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने आवेदन देने को कहा। उस बात की जांच कराएंगे हम लोग, और पिस्टल ना उसकी जांच होगी कि वो वीडियो वाकई में वैनी का है, चंदौली का है, चंदौली जो हमारे यहाँ वहाँ का है कि चंदौली उत्तर प्रदेश का है। वो तो बात की बात है, वो तो जांच का विषय है। अगर कोई आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसको हम लोग जांच जरूर करेंगे, ठीक है।
वहीं मुखिया निशा देवी ने इस मामले का खंडन करते हुए कहा कि ये वीडियो 4 साल पुराना है और वीडियो में जो हथियार है वो खिलौना वाला पिस्टल है। इस चुनावी माहौल में मेरी छवि धूमिल करने के लिए हमारे विरोधी ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरी छवि धूमिल हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ नहीं है, वो झूठ है। अभी इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए लोग सब जो है झूठा मोबाइल कर रहे हैं। इस सच नहीं है। गांव में हुआ था एक तो मुंडा, उसी में सिगरेट जलाने के लिए वो पिस्टल की तरह रहते हैं लाइटर, वो हाथ में ले लिए थे, जनता वायरल कर दिए। ये 4 साल पहले पुराना है। होना चाहते हैं, कानून जांच कर रहे हैं। अगर सच हुआ तो उन पर कार्रवाई होगा, अगर सच नहीं हुआ तो, अगर हमें उन पर भरोसा है कानून पे, वो देखते हैं, अभी जांच कर रहे हैं। वैसे आपको नहीं भरोसा है तो आप जाके जनता से पूछिए हमारा देवर कैसे है, हम लोग कैसे हैं, मेरा क्या छवि है। डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार का इधर ही है। तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। जिस पल का इंतजार था वो वक्त आ ही गया। पूरा गांव, पूरा बिहार यूपीएससी टॉपर शुभम के उनके पैतृक घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। पूरा गांव बैंड बाजे के साथ उनकी स्वागत के लिए अगुवाई कर रहा था। माँ और पापा ने बिहार का नाम पूरे देश में ऊंचा करने वाले इस लाल को कदवा उनके घर पहुंचने पर गले लगा लिया और इस पल का गवाह हर कोई बनना चाह रहा था। क्या आम क्या खास, हर कोई इस पल को अभूतपूर्व बनाना चाह रहा था। हो भी क्यों नहीं, कटिहार के इस लाल ने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि बिहार की इस धरती का नाम देश में गौरवान्वित कर दिया है। मैं देश सेवा को सर्वोत्तम स्थान दूंगा कि जो लोग लोगों के लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलता है तो वो मेरे लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात होगी और इसको काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं IAS ज्वाइन करके ये देश सेवा कर सकता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देश सेवा को हर नागरिक कर सकता है, वो अपना बस कर्तव्य निभाएं, एक सच्चे नागरिक का जिम्मेवारी निभाएं, तो कोई भी देश सेवा कर सकता है। डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार का इधर ही है। तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवाएँ हैं वो काफ़ी एस्पिरेशनल हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो जो ठान ले वो कर सकते हैं। तो अगर उनके पास एक प्रॉपर प्लान हो और सपोर्ट हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। शादी को लेकर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी उम्र भी कम है। सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा, जिस तरीके से वो मुझे सपोर्ट किया, पापा मम्मी चाचा चाची दीदी हर लोगों ने। ये काफ़ी मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा। मुझे ये कभी लगा नहीं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस किया और ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे। मेरी बस यही दुआ रहेगी कि मुझसे लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हो और जो भी एरिया में वो कुछ जो करना चाहते हैं वो उसमें वो सक्सेसफुल रहें। हाँ, बात हुई हमारी शाम में माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो काफ़ी खुश थे कि बिहार से किसी ने टॉप किया एग्ज़ाम।
नौगछिया में एसपी का नया कार्यालय और नया आवास बनना है। इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा जमीन भी आवंटित कर दी गई है। एसपी कार्यालय के लिए 1 एकड़ व एसपी आवास के लिए 50 डिसमिल जमीन आवंटित की गई है। नौगछिया एसपी सुशांत सरोज ने अनुमंडल कार्यालय के समीप पहुंचकर जमीन का निरीक्षण किया। एसपी सुशांत सरोज ने कहा कि जमीन आवंटित हो चुकी है, जल्द निर्माण कार्य शुरू हो इसके लिए पत्राचार भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नौगछिया पुलिस जिला में ट्रैफिक थाना व ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बहुत आवश्यकता है। दरअसल यहाँ गाड़ियों का दबाव बढ़ा है, कई दफा घटनाएं भी होती हैं। इसके नियंत्रण के लिए ट्रैफिक थाना व ट्रैफिक डीएसपी का प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है जल्द ही उस पर भी काम शुरू होगा। जो गाड़ी संख्या जो बढ़ा है और जो नौगछिया जो विस्तार हुआ है चारों दिशाओं में, और आप जो एनएच का आप देखेंगे इधर से पूर्णिया के लिए है, खगड़िया के लिए है, फिर मधेपुरा और पूर्णिया मधेपुरा के लिए है, तो फिर भागलपुर के लिए काफ़ी दबाव गाड़ी का है। हम लोग इस पर इसी हम लोग आलोक में कई घटनाएं भी घटी हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया है यहाँ पे ट्रैफिक थाना खोलने के लिए और ट्रैफिक डीएसपी को पदस्थापन के लिए। इसके लिए क्या आश्वासन आया? ये प्रस्ताव उन्होंने भेजा है, उसका प्रस्ताव का तरीका होता है, उसका हम लोग कैलकुलेट करके सारे दिनों देखते हुए वो प्रस्ताव दी जाती है, प्रस्ताव उन्होंने सबमिट किया है।